Hello students, today we will be doing unit 7 of My English Folder class 8, and the title of the story is There Will Come Soft Rains. There Will Come Soft Rains जो एक story है, इसके author है Ray Bradbury. ये story उन्होंने 1950 में लिखी थी. ये publish हुई थी as a science fiction story. ये जो story है, ये काफी, it is ahead of its time, and इसका main purpose था ये बताना कि हाउ मच डिस्ट्रक्शन कैन अ न्यूक्लियर बॉम्ब कॉज, व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डेवेस्टेशन इट कैन कॉज. ये एक साइंस फिक्शन स्टोरी है, इतनी ज्यादा सराही गई थी ये स्टोरी. रे ब्रैडबरी को इस स्टोरी के लिए पुलित्जर प्राइज भी दिया गया था. इसमें सारा टीसडेल जो कि एक पोएटिस्ट हैं, उनकी एक पोयम थी बाय द सेम नेम. दूसरी बात यह है कि इसमें क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस हैं, तो इसमें काफ़ी सारी इमेजरी है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमेजरी जिससे आपके माइंड में एक विजुअल बनता है. इसमें पर्सोनिफिकेशन है, वो मैं आपको बताती जाऊंगी कहां कहां पर पर्सोनिफिकेशन आ रहा है. देयर आर सिमिलीज एंड मेटाफर्स यूज्ड इन द पोयम. अब स्टोरी का बैकड्रॉप क्या है, एक स्मार्ट होम की बात हो रही है. स्मार्ट होम क्या होता है, सब चीज़ें जहाँ पर ऑटोमेटेड होती हैं, जहाँ पर काम करने के लिए हर चीज़ मशीनों द्वारा ऑटोमेटिकली सब कुछ की जाती है. एंड दिस इज़ द मेन बैकड्रॉप ऑफ दिस स्टोरी. तो ये स्टोरी जो है सेट हुई है USA के एक स्टेट कैलिफोर्निया में, और जिसका जगह का नाम है एलनडेल. और कौन से साल की बात हुई है, ईयर 2026 की इसमें बात की गई है. एंड द पीपल इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरी आर मैक्लेलन हाउस होल्ड जिसमें एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, और उनके दो बच्चे हैं, और उनका एक डॉग भी है. प्लस उनका ऑटोमेटेड हाउस है जो कि सारा काम खुद करता है, कपड़े धोने से लेकर नाश्ता बनाने तक, उनकी गैराज ओपन करने तक, उनके पौधों में पानी डालने तक, उनके गार्डन में पानी डालने तक, एवरीथिंग इज डन बाय द मशीन्स. सो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. In the living room, the voice clock tick-tock 7 o'clock. Time to get up, 7 o'clock. अब जैसे एक बिल्कुल automated robotic आवाज होती है, tick-tock 7 o'clock, time to get up, मतलब एक थोड़ा सा rhyming भी हो रही है और एक machinic आवाज आ रही है. तो एक उनका जो living room से story start हो रही है, और से एक voice clock जो थी, clock थी और उसमें से आवाज आ रही थी. तो उसने क्या कहा, tick-tock 7 बज गए हैं, उठने का टाइम हो गया है, time to get up. As if it were afraid that nobody would. मतलब ये एक तरह से दिखाया जा रहा है कि कोई उठेगा नहीं, और as if ऐसा लग रहा है जैसे मशीन को खुद पता है कि कोई उठने वाला नहीं है, बट एक्चुअली मशीन doesn't know कि उठने वाला है या नहीं है, afraid है या नहीं है. ये सिर्फ author अपनी तरफ से बता रहे हैं कि आज सचमुच में कोई भी उठने वाला नहीं है. क्या हुआ है, यहाँ पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया है. ये जो स्टोरी थी ये लिखी गई थी लाइक आई सेड 1950 में, और आपको पता है 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी जो शहर थे जापान के, उनके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया गया था. इसी रीज़न की वजह से रे ब्रैडबरी ने ये स्टोरी लिखी, टू टेल एवरीवन कि न्यूक्लियर बॉम्ब इज सच अ बैड थिंग, इट कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन, कि उसके इफेक्ट्स जो हैं आज तक भी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं. ठीक है, तो एलनडेल कैलिफोर्निया में भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप हुआ है, और ये होगा 2026 में. ठीक है, तो ये ऐसा होगा, ये एक फ्यूचर स्टोरी है, फ्यूचर टाइम में स्टोरी लिखी गई है कि ऐसा 2026 में होगा. ठीक है, ओके. तो जैसे नोबडी वुड, तो कोई उठेगा नहीं, क्योंकि भाई घर के सारे लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, वो लोग न्यूक्लियर बॉम्ब की चपेट में आ चुके हैं. द मॉर्निंग हाउस ले एम्प्टी, सुबह का जो घर था बिल्कुल खाली था, कोई नहीं था. द क्लॉक टिक्ड ऑन रिपीटिंग एंड रिपीटिंग इट साउंड्स इनटू द एम्प्टीनेस. एम्प्टीनेस मतलब शून्यता, कोई भी नहीं है, बार बार क्लॉक रिपीट कर रहा है कि भाई उठ जाओ, उठने का टाइम हो गया है. फिर उसने कहा 7:09, अब 7:09 हो गए हैं, ब्रेकफास्ट टाइम. तो 9 मिनट बाद उसे लगा कि सब उठ ही गए होंगे, तो 9 मिनट बाद उसने ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर दिया. और ब्रेकफास्ट बनाने के लिए उसने क्या क्या किया, इन द किचन द ब्रेकफास्ट स्टोव गेव अ हिसिंग साय. हिसिंग साय का मतलब उसने फुफकारना, जैसे उसकी सांस की आह भरी जैसे, तो ब्रेकफास्ट स्टोव की जैसे आवाज होती है सस, और उसमें से क्या बाहर निकला, फ्रॉम इट्स वार्म इंटीरियर 8 पीसेस ऑफ परफेक्टली ब्राउन टोस्ट. तो मतलब अच्छे से सिके हुए ब्राउन टोस्ट थे, 8 अंडे थे, 8 ब्रेड के स्लाइसेस थे, सनी साइड अप, मानी
उनका जो योग था वो ऐसे दिख रहा था। सो सनी साइड अप, 16 स्लाइसेस ऑफ बेकन, 2 कॉफीज एंड 2 कूल ग्लासेस ऑफ मिल्क। तो हस्बैंड और वाइफ के लिए उन्होंने कॉफ़ी बना दी थी और बच्चों के लिए मिल्क बना दिया था, 8 अंडे बना दिए थे 4 लोगों के लिए और 8 ब्रेड के टोस्ट बना दिए थे। तो ये इनका नाश्ता हुआ करता था। ठीक है, अब एक और वॉइस आई किचन की सीलिंग में से। किचन की सीलिंग में भी उन्होंने एक ऑटोमेटिक मशीन लगाई हुई थी जिसने कहा, टुडे इज अगस्त 4, 2026 इन द सिटी ऑफ एलनडेल कैलिफोर्निया। कहाँ पर? एलनडेल कैलिफोर्निया में। उसने रिपीट करा डेट को 3 बार। तो जैसे हम अलार्म देखते हैं ना, तो अलार्म में दो तीन बार बजता रहता है जब तक हम उसे स्नोज ना कर दें या डिसमिस ना कर दें। सो इट केप्ट ऑन रिपीटिंग टुडे इज, और फिर उसने उसके साथ साथ कुछ और भी मेमोरीज बताएं कि आज मिस्टर फेदरस्टोन्स का बर्थडे है, टिलेटा की मैरिज एनिवर्सरी है, आज इंश्योरेंस भी देना है क्योंकि 4 अगस्त है, महीने की स्टार्टिंग है, वाटर गैस और लाइट बिल भी जमा करने हैं। तो उसने अपने सारे रेफरेंसेस आज की डेट के बारे में बता दिए कि कोई उनके पुराने रिश्तेदार थे फेदरस्टोन, आज उनका बर्थडे है, कोई उनकी रिश्तेदार थी टिलेटा, उसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है और आज हमारा इंश्योरेंस भी देना है, पानी का, बिजली का, जो गैस वो यूज करते हैं स्टोव की, उसका भी बिल पे करना है। समवेयर इन द वॉल्स रिलेज क्लिक्ड, मेमोरी टेप्स ग्लाइडेड अंडर इलेक्ट्रिक आईज, 8:01 टिकटॉक, 8:01 o'clock, ऑफ टू स्कूल, ऑफ टू वर्क, रन रन 8:01। तो कितना आप देख सकते हैं कि सच एन ऑटोमेटेड वॉइसेस आर प्लेइंग हियर। समवेयर इन द वॉल्स, वॉल्स में फिर से कुछ आवाज हुई, जो विद्युत के जो स्विच थे, बिजली के जो स्विच थे, उनका चटकना हुआ, उनकी आवाज़ आई और रिकॉर्ड करने की जो मेमोरी टेप्स होती हैं वो कहीं से सरकी, ग्लाइड हुई, और जो इलेक्ट्रिक आइज होती हैं वो होता है ट्रांसड्यूसर, जहाँ पर कुछ बिजली चमकती है, कुछ लाइट चमकती है रेड कलर की, तो वो कुछ ग्लिटर हुई, कुछ चमकी, और तब उसने कहा 8 बज गए हैं, अब स्कूल जाने का टाइम हो गया है, ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, तो अब आप लोगों को जाना चाहिए। बट नो डोर स्लैम्ड, नो कार्पेट्स टुक द सॉफ्ट रेड ऑफ हील्स, इट वाज रेनिंग आउटसाइड। क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं था, नोबडी वाज अलाइव, कोई जिंदा ही नहीं था, तो ना तो डोर बंद करने की आवाज आई, ना किसी के चलने की आवाज आई कार्पेट्स पर। बाहर बारिश हो रही थी, वेदर बॉक्स ने इशारा किया, उसने अपना गाना गाया, रेन रेन गो अवे, मतलब बारिश हो रही थी, तो उसने घर वालों को बताया कि भाई बाहर बारिश हो रही है, आज अम्ब्रेला या रेनकोट ले लेना। एंड रेन टैप्ड ऑन एम्प्टी हाउस एकोइंग, और बारिश मानो एम्प्टी हाउस पर एको, यानी कि गूंज रही थी बारिश की टप टप की आवाज़। आउटसाइड द गैरेज चाइम्ड एंड लिफ्टेड इट्स डोर टू रिवील द वेटिंग कार, मतलब गैरेज के बाहर कुछ खनखनाहट हुई, कुछ आवाज़ हुई और गैरेज का जो डोर था अपने आप उठ गया, ऊपर हो गया और उससे एक कार वेट कर रही थी, मानो वो ऑफिस जाएं। आफ्टर अ लॉन्ग वेट द डोर स्वांग डाउन अगेन, तो उसने काफ़ी वेट किया कि शायद डोर खुल गया है, अब कोई अंदर आएगा, कार में बैठेगा, कार को चलाकर बाहर ले जाएगा, लेकिन क्योंकि कोई नहीं आया, काफ़ी देर के बाद डोर दोबारा से नीचे बंद हो गया। एट 8:30 द एग्स वर श्रिवल्ड And toast was like stone. 8:30 यानी कि 7:10 पर नाश्ता तैयार हो गया था, लेकिन 8:30 बजे तक किसी ने नाश्ता किया ही नहीं, तो अंडे जो थे बिल्कुल सूख चुके थे, टोस्ट जो था जैसे मानो पत्थर का हो चुका है। तो एक बर्तन की चीज़ थी, उन्होंने सारे बर्तन को साफ किया, एक एल्युमिनियम की कील टाइप की कोई चीज़ थी, एक वेज थी, उसने सारा जो भी नाश्ता था उस सबको स्क्रेप करके सिंक में डाल दिया। हॉट वाटर ने उसको एक नीचे डिश वॉशर में डालकर सारा जो नाश्ता था सबको फ्लश आउट करके बाहर डिस्टेंट सी में, जो दूर, बहुत दूर एक समुद्र था, उसमें सारा फ्लश अवे कर दिया। डर्टी डिशेज वर ड्रॉप्ड इनटू हॉट वॉशर एंड इमर्ज ट्विंकलिंग ड्राई, जो गंदी डिशेज थी उनको हॉट वॉशर में ड्रॉप कर दिया गया, जहाँ से वो जब बाहर निकली तो वो ट्विंकलिंग चमचमा रही थी और सूख चुकी थी। घर ने अज्यूम किया कि अब सब लोग काम पर चले गए हैं, अब मुझे सफाई में लग जाना चाहिए। तो क्लॉक ने फिर से कहा 9:15 टाइम टू क्लीन, 9:15 बज गए हैं, अब सफाई करने का टाइम आ गया है। अब दूसरी तरह की मशीन्स, जो सफाई करने वाली मशीन्स थी, वो बाहर आई, मानो खरगोशों के जो पालने की जो जगह होती है वहां से उस तरह से कुछ टाइनी रोबोटिक माइस निकली। माइस थी, वो चूहे थे, लेकिन वो मशीन पर चलने वाले चूहे थे, जैसे मानो वैक्यूम क्लीनर्स हो।
तो वो झटपट फटाफट से आगे बढ़े। द रूम्स वर अ क्रॉल, तो रूम्स में वो सारे घूम रहे थे, क्रॉल कर रहे थे विद द स्मॉल क्लीनिंग एनिमल्स, मानो उनके पैरों में कुछ क्लीनिंग का इक्विपमेंट लगा था, रबर का और मेटल का, जिससे वो सारी सफाई कर रहे थे। उन्होंने चेयर्स को साफ किया, उन्होंने चेयर्स के साथ गड़गड़ाहट की आवाज़ आई जिससे वो घूम रहे थे, वर्लिंग देयर मस्टैच्ड रनर्स, नीडिंग द रग नैप, सकिंग जेंटली एट हिट इन डस्ट। तो उनके घुमावदार मस्टैच रनर्स थे, जो उनके ये ऐसे विस्कर्स थे, रनर्स थे, तो उससे वो साफ कर रहे थे। जितनी भी कालीन के ऊपर वो घूम रहे थे, ऐसे ऐसे करके सारी डस्ट को अपने अंदर सक कर रहे थे, सारी डस्ट को वो क्लीन कर रहे थे बेसिकली। सो इट वॉज लाइक अ वैक्यूम क्लीनर। और जब सारा काम हो गया, वो मिस्टीरियस इन्वेडर, जैसे कुछ ऐसे लुटेरे होते हैं जो अपना सफा चट करके सब कुछ गायब हो जाते हैं, उसी तरह से वो माइस भी सारी सफाई करके मानो मिस्टीरियस इन्वेडर्स की तरह अपनी अपनी बरोज में जाकर, अपने अपने वॉरेंट्स में जाकर छिप गए। दे पॉप्ड इनटू देयर बरोज, अपनी बरोज में जाकर छिप गए। जब वो ऑपरेटेड थे तो आंखें लाल थीं, लेकिन जब वो बंद हो गए तो उनकी आंखों की जो रोशनी थी, पिंक इलेक्ट्रिक आईज थी, वो भी फेड हो गई, जिससे पता चलता है कि हाउस अब क्लीन हो चुका था। 10 o'clock, द सन केम आउट फ्रॉम द रेन, अब बारिश खत्म हो गई थी, 10 बज गए थे, तो अब सूरज जो था वो आ गया, सूरज निकल आया। द हाउस स्टूड अलोन इन अ सिटी ऑफ रबल एंड एशेस, पूरी सिटी पर, क्योंकि एक बॉम्ब गिरा था तो पूरी सिटी तहस नहस हो चुकी थी, सब जगह राख और मलबा ही नजर आ रहा था, सिर्फ ये एक अकेला घर खड़ा था। इट वॉज द ओनली वन हाउस लेफ्ट स्टैंडिंग, ठीक है। एट नाइट द रुइन सिटी गेव ऑफ अ रेडियो एक्टिव ग्लो, रात में पूरी जो सिटी जो थी, जो बर्बाद हो गई थी, उसने रेडियो एक्टिव, यानी कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब में कुछ मटेरियल्स होते हैं, यूरेनियम होता है, तो वो रेडियो एक्टिव ग्लो आया था दूर से, कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। तो 10 बजे सूरज निकल आया, 10:15 पर, यानी कि 10:15 बजे घर को लगा कि अब हमें गार्डन की भी धुलाई कर देनी चाहिए। 10:15 द गार्डन स्प्रिंकलर्स वर्ल्ड अप इन गोल्डन फाउंट्स, यानी कि फाउंट्स मतलब फव्वारे, तो अचानक से फव्वारे बीच में से निकल आए और उनकी जो पानी की बौछार थी वो सारे गार्डन पर बिखरने लगी, स्कैटर होने लगी, मान लो कोई चमक पूरे गार्डन में फैल रही है, फिलिंग द सॉफ्ट मॉर्निंग एयर विद स्कैटरिंग्स ऑफ ब्राइटनेस, बिखरने लगी। वाटर पेल्टेड, पेल्टेड मतलब वाटर की जो बूंदें थी, वो छोटी छोटी बूंदें पेल्टिंग की तरह से, फेंक कर मारने की तरह विंडो पेन्स पर जा रही थी, रनिंग डाउन द चार्ड वेस्ट साइड वेयर द हाउस हैड बीन बर्नड इवनली फ्री ऑफ इट्स वाइट पेंट। तो घर ऐसा नहीं है कि घर को नुकसान नहीं हुआ था, घर की जो वेस्ट साइड थी वो पूरी तरह से जल चुकी थी, चार मतलब बिल्कुल जल का जो काला काला सा पार्ट हो गया था घर के ऊपर, तो वहाँ पर भी विंडो पेन्स पर पानी की बूंदें गिर रही थी, ठीक है, उसका वाइट पेंट वहाँ से हट गया था। द इंटायर वेस्ट फेस ऑफ द हाउस वॉज ब्लैक सेव फॉर 5 places। अब हम ये 5 places देखते हैं, पूरा घर का जो वेस्ट पार्ट था, पश्चिमी भाग जो था घर का, वो पूरी तरह से काला हो चुका था, सिर्फ 5 जगहों को छोड़कर, और ये 5 जगहें थी किसी किसी की शेडो बनी हुई थी, जिसे हम कहते हैं सिलुएट। सिलुएट मतलब छाया आकृति, यानी कि किसी किसी की शैडो। किस किस की शैडो थी? फर्स्ट शैडो थी एक आदमी की, जो कि शायद लॉन को मो कर रहा था, मो मतलब लॉन की कटाई कर रहा था। हियर एज इन अ फोटोग्राफ अ वुमन बेंट टू पिक फ्लावर्स, एक औरत नीचे झुक रही थी मानो फ्लावर्स को पिक कर रही हो, ठीक है। दूसरी सिलुएट आ गई वुमेन की, पहली सिलुएट आ गई मैन की। Still far over, मतलब थोड़ी और दूर जाने पर पता चला कि their images burned on wood. Their images, दो लोगों की और images थी जो कि wood के पास थी। एक Titanic instant, जैसे Titanic बहुत ज़्यादा विशाल ship था, बहुत ज़्यादा बड़ा ship था, उसी तरह के instant में ऐसा लगा जैसे एक छोटा बच्चा, एक छोटा लड़का जिसके हाथ हवा में ही रह गए थे, मानो वो कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ा ऊपर देखने पर पता चला कि वो एक थ्रोन बॉल, यानी कि एक बॉल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो थर्ड सिलुएट किसका था? एक छोटे बच्चे का। फोर्थ सिलुएट था बॉल का। एंड फिफ्थ सिलुएट वाज
ऑफ अ गर्ल जो कि बॉल को शायद फेंक रही थी. ऑपोजिट हिम अ गर्ल हैंड्स रेज्ड, उसके हाथ ऊपर थे टू कैच द बॉल विच नेवर केम डाउन, क्योंकि बॉल पर भी न्यूक्लियर बॉम्ब का असर हुआ जो बॉल कभी नीचे नहीं आई और उस लड़की के हाथ मानो बॉल को पकड़ने के लिए रेज हुए हुए थे. सो दीज वर द फाइव सिलुएट्स ऑफ द थिंग्स एंड द पीपल हु गॉट किल्ड, हु गॉट डिस्ट्रॉयड बाय द न्यूक्लियर बॉम्ब. द रेस्ट वॉज अ थिन चारकोल लेयर, बाकी सब जो था वो सब एक चारकोल लेयर, सारा जो था वो चारकोल लेयर सब चीजों पर आई हुई थी. बाकी जैसे जो सिलुएट से जैसे वो आदमी खड़ा है तो उसकी इमेज को छोड़कर बाकी सब जगह चारकोल था. ठीक है. द फाइव स्पॉट्स ऑफ पेंट, द मैन, द वुमन, द चिल्ड्रन, द बॉल रिमेन्ड, बाकी ये पांच चीजों को छोड़कर सब कुछ चारकोल काला ही काला था. द जेंटल स्प्रिंकलर रेन फिल्ड द गार्डन विद फॉलिंग लाइट, अब जैसे जैसे स्प्रिंकलर जो था वो पानी छिड़काव कर रहा था गार्डन में तो गार्डन में मानो एक लाइट ऐसा लग रहा था लाइट गिर रही है. अब 12 बज चुके थे दोपहर के, 12 नून इट वाज. अ डॉग वाइंड शिवरिंग ऑन द फ्रंट पोर्च, अब उनका जो डॉग था वो क्या कर रहा था, वो कराह रहा था, शायद वो बच गया था या वो कहीं और था जो वो बाय चांस बच गया था तो वो कराह रहा था, कांप रहा था. ऑन द फ्रंट पोर्च मतलब बरामदे के बाहर वो खड़ा था और वो कराह रहा था. अब क्योंकि वो उनका पेट जानवर था तो मशीन को और घर को पता था कि ये एक घर का मेंबर है, तो जैसे ही वो पोर्च पर आकर खड़ा हुआ फ्रंट डोर ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ ये तो डॉग की आवाज है और उसने खोल दिया. द डॉग वंस ह्यूज एंड फ्लैशी, डॉग एक बार कभी थोड़ा मोटा ताजा और काफी अच्छा था कभी, लेकिन अब वो बिल्कुल बोन यानी कि वो सिर्फ एक ढांचा बन चुका था कवर्ड विद सोर्स और उसके बहुत सारे दाने दाने से सोर्स हो गए थे. मूव्ड इन एंड थ्रू द हाउस ट्रैकिंग मड, और उसके पैरों में मिट्टी लगी हुई थी और वो अंदर आया. बिहाइंड इट वर्ड एंग्री माइस, एंग्री एट हैविंग टू पिक मड, एंग्री एट इनकन्वीनियंस, अब जैसे ही वो अंदर घुसा घर में जो वैक्यूम क्लीनर वाली माइस थी यानी कि चूहे थे जो पहले आकर सफाई कर गए थे उनको फिर एक इंटीमेशन हुआ कि घर में मिट्टी आई है इसके पैरों से लगकर, तो वो फिर से बाहर निकले और इस बार मानो वो एंग्री हो, एक्चुअली में वो एंग्री नहीं थे लेकिन क्योंकि जब अब देखो हम भी कभी घर दोबारा गंदा होता है और हम देखते हैं कि घर गंदा हो गया तो हमें भी गुस्सा आता है कि ओफ फिर से सफाई करनी पड़ेगी, राइट. तो माइस भी एंग्री थे बिकॉज उनको अब दोबारा से मड जो था दोबारा क्लीन करना था और इस बार उनको वो इनकन्वीनियंस थी. पहले तो वो उन्होंने अपना यूजुअल काम समझकर काम कर दिया लेकिन इस बार उनके लिए एक इनकन्वीनियंस था. बट एक्चुअली दिस इज जस्ट टू शो कि माइस का भी एक दिल था, उनको भी कुछ शो करना था अपना इमोशन. एक्चुअली में सिंस दे आर मशीन्स दे डोंट हैव एनी इमोशंस. अब यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, एंग्री माइस, एंग्री एट हैविंग टू पिक अप, तो ये क्या है, ये सारा पर्सोनिफिकेशन है. पर्सोनिफिकेशन, मशीन्स को कभी दुख नहीं होता, मशीन्स को कभी गुस्सा नहीं आता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इस तरह से उन्हें ह्यूमनाइज किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि वो एंग्री थे इनकन्वीनियंस पर, ठीक है, डिस्पाइट बींग अ मशीन. For even if a leaf fragment blew under the door, the wall panels flipped open and the copper scrap rats flashed swiftly out. तो अगर कोई छोटा सा पत्ती का भी पार्ट वहां पर डोर पर गिर जाता तो वॉल पैनल्स फटाफट से खुल जाती, उनका चौखुटा खुल जाता और झटके से सारी ये रैट्स आते अंदर जो कि कॉपर से बने हुए थे, अचानक से आते तेजी से बाहर और जितनी भी छोटी छोटी पार्टिकल थी, कोई बाल था, कोई पेपर था, कोई लीफ थी, कोई डस्ट थी, हर चीज़ को ऐसे पकड़ लेते जैसे मानो वो उनके ऊपर अटैक कर रहे हों और उनके मिनिएचर स्टील जॉज यानी कि उनके जो छोटे छोटे से स्टील के जबड़े थे वो बाहर निकलते अपनी बरोज में से और वो सब कुछ सफा चट करके अंदर घुस जाते. देयर डाउन ट्यूब्स विच फेड इनटू द सेलर, इट वाज ड्रॉप्ड इनटू द साइंग वेंट ऑफ एन इंसिनरेटर, और वो जो गंदगी थी, वो जो कूड़ा कचरा था, वो तहखाने में ड्रॉप कर दिया जाता जहाँ पर एक वेंट था यानी कि हवा निकलने की या कोई भी चीज़ निकलने की जो जगह थी,
और उससे निकलते हुए एक भट्टी बना रखी थी जिसमें सारा कूड़ा कचरा वो लोग जला देते थे। तो इंसिनरेटर क्या होता है, जो जलाने की भट्टी होती है, खासकर कूड़ा जलाने की जो भट्टी होती है उसमें वो सब डंप कर दिया जाता था। और वो कहाँ बैठा हुआ था, जैसे कोई ईवल बाल हो, ईवल बाल होता है एक तरह का ईवल मॉन्स्टर, आप कह सकते हैं पिशाच या कोई डीमन, कॉर्नर में बैठा हो जो सब कुछ खा जाता हो, उसी तरह से इंसिनरेटर को। अब ये भी आप कहेंगे एक पर्सोनिफिकेशन है, जलाने की भट्टी कोई पिशाच नहीं होती, कोई डीमन नहीं होता, बट स्टिल ऑथर ने इसको पर्सोनिफाई किया गया है। द डॉग रैन अपस्टेयर्स हिस्टेरिकली येल्पिंग टू ईच डोर। अब डॉग तो भाई डॉग था, वो चाह रहा था कि मुझे कोई इंसान दिखे, मुझे कोई खाने की चीज़ दिखे, तो वो बेचारा अपनी भावनाओं पे उसे कोई वो ही नहीं था कंट्रोल, वो बस भौंके जा रहा था, इधर जाता उधर जाता, एट लास्ट रियलाइजिंग कि यहाँ पर कहीं कुछ नहीं और सिर्फ साइलेंस है। सो इट वॉज जस्ट ट्राइंग टू सी इट्स मास्टर और अ पीस ऑफ फूड दैट इट कैन फाइंड टू फुलफिल इट्स हंगर। इट स्निफ्ड द एयर एंड स्क्रैच द किचन डोर। बिहाइंड द डोर द स्टाफ वॉज मेकिंग पैनकेक्स विच फिल्ड द हाउस विद अ रिच बेक्ड ओडर एंड अ सेंट ऑफ मेपल सिरप। अब उसने एयर को सूंघा, स्निफ किया मतलब सूंघा, और उसने किचन डोर को स्क्रैच किया अपने पंजों से कि डोर के पीछे जो स्टव है वहां पर पैनकेक बनाए जा रहे हैं। पैनकेक क्या होते हैं, छोटे छोटे से पतले पतले चीले टाइप के होते हैं एंड इट इज स्वीट इन टेस्ट, और उन वो बेक किए जाते हैं और उनकी जो खुशबू थी बेकिंग की, और मेपल सिरप उनके ऊपर एक सिरप डाला जाता है, उस सिरप की जो खुशबू थी बहुत एपेटाइजिंग थी और उससे पूरा घर उसकी स्मेल से भर चुका था। डॉग भी चाह रहा था कि मुझे ऐसा कुछ मिल जाए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल पाया और द डॉग फ्रोज्ड एट द माउथ लाइंग एट द डोर स्निफिंग इट्स आईज टर्न टू फायर। इट रैन वाइल्डली इन सर्कल्स बाइटिंग एट इट्स टेल स्पन इन अ फ्रेंजी एंड डाइड। इट ले इन द पार्लर फॉर एन आवर। तो डॉग के मुंह से झाग आने शुरू हो गए और वो डोर के ऊपर लेटा हुआ था, सूंघ रहा था, अचानक से उसकी आंखों में फायर नज़र आई और वो सर्कल्स में वाइल्डली घूमने लगा अपनी टेल पर, शायद उसकी टेल में आग लग गई थी और वो आवेश में आकर घूमने लगा और इससे, क्योंकि एक तो कमज़ोर था, कुछ नहीं कर पा रहा था, भूखा था, कोई उसको बचाने वाला नहीं था, और इस आग की वजह से वो बेचारा मर गया। और बहुत देर तक उसकी डेड बॉडी जो थी वो बैठक में पड़ी रही, एक घंटे तक। 2 बज गए और एक आवाज आई, मान लो घर को कुछ पता ही नहीं, घर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि घर के जो लोग थे, ओनर थे, जो उसमें रहने वाले थे, इवन अब डॉग भी, सब कुछ खत्म हो चुका था। सो यू कैन ऑल्सो से कि इस बात से पता चलता है कि इस स्मार्ट होम को कोई परवाह नहीं थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, चाहे ह्यूमंस हो इसमें, चाहे ह्यूमंस ना हो। सो दिस स्टोरी ऑल्सो टेल्स अस दैट नेचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इंसान हो चाहे ना हो, नेचर अपनी गति से चलता जाता है, इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन इट। तो अब जो था डॉग जो था पूरी तरह से सड़ चुका था, डेलिकेटली सेंसिंग डिके एट लास्ट। डेलिकेटली मतलब बहुत ज़्यादा कुशलता, स्किलफुली उन्होंने महसूस किया, सेंस किया कि कुछ चीज़ सड़ गई है। एंड द मोमेंट समथिंग वॉज डिकेइंग, जो सैन्य दल था, किसका, माइस का, रेजिमेंट्स था, उनकी आर्मी का जो दल था, वो बाहर आए धीरे धीरे, एज सॉफ्टली एज ब्लोन ग्रे लीव्स, जैसे कोई इलेक्ट्रिक विंड चल रही हो और उसमें ग्रे लीव्स आए, इतने ज्यादा आराम से वो आए, एज सॉफ्टली एज क्या है, इट इज अ सिमिली। तो सिमिली यहाँ पर यूज हुई है, और वो इतनी तेजी से आए और उन्होंने उस डॉग को अभी सफाया कर दिया, उसको भी साफ सुथरा कर कहाँ डाल दिया, इंसिनरेटर में। इंसिनरेटर में जब उसको डाला सेलर में, वो इंसिनरेटर ग्लो होने लगा क्योंकि उसमें काफी एक डेड बॉडी डाली गई है, और वहां पर एक वर्ल्ड ऑफ स्पार्क्स, यानी कि बहुत ज्यादा स्पार्क्स आने लगे, चिंगारियां उठने लगी, लीप होने लगी चिमनी से बाहर। तो जब ये 2:15 बजे ये काम किया गया, 2:35 तक, यानी कि 2:35 तक सब कुछ खत्म हो चुका था। अब घर को लगा कि भाई फैमिली का एंटरटेनमेंट का टाइम आ गया है, तो उन्होंने ब्रिज टेबल लगा दी, यानी कि ताश का एक खेल होता है ब्रिज, उसके ताश के पत्ते उन्होंने बिछा दिए, कहाँ पर, आंगन में, पैटियो में। तो वहां पर उन्होंने स्प्राउट कर दिए, यानी कि निकाल दिए अपने आप से ऑटोमेटिकली,
प्लेइंग कार्ड्स फ्लटर्ड ऑन टू पैड्स इन अ शावर ऑफ पिप्स। जैसे ताश के पत्ते बिखर जाते हैं, उस तरह से ताश के पत्ते बिखर गए। मार्टिनी, मार्टिनी होती है एक तरह की अल्कोहल। वो अचानक से ओकन बेंच यानी कि बलूत की एक बेंच थी, वहाँ पर मार्टिनीज अपने आप रख दी गई और उनके साथ एग सैलेड रख दी गई, सैंडविचेस रख दिए गए और म्यूजिक चला दिया गया। तो घर को पता चल गया कि अब इस फैमिली के एंटरटेनमेंट का टाइम है, उनको कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए स्नैक्स दिया जाए, कुछ ड्रिंक करने के लिए अल्कोहल दी जाए और खेलने के लिए कुछ ताश के पत्ते दिए जाएं और म्यूजिक बजा दिया गया ताकि उनका फुल एंटरटेनमेंट हो जब तक वो गेम खेल सकें। बट सिंस नोबडी वॉज इन द हाउस, नोबडी टर्नड अप, नोबडी प्लेड द गेम, टेबल्स वर साइलेंट, अनदर वे ऑफ पर्सोनिफिकेशन, कार्ड्स को टच ही नहीं किया गया था। तो घर को लगा कि शायद ये 1.5 घंटे तक इनका खेल चलेगा, लेकिन 4 बजे जब कुछ नहीं हुआ तो टेबल्स को अपने आप फोल्ड कर दिया गया, जैसे बटरफ्लाई अपने पंख को बंद कर देती है, और वो पैनल वॉल्स में, वॉल्स के अंदर अपने आप जाकर मिल गई, टेबल्स बंद हो गई। अब 5 बज गए थे, घर को लगा कोई नहाएगा शायद, तो बाथ को फिल कर दिया गया गर्म पानी से, बाथ टब को। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे सब बजते गए, फिर घर को लगा कि अब खाने का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया। उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया जैसे कोई मैजिक ट्रिक हो रही हो। तो इस तरह से इतनी खूबसूरती के साथ इतनी स्किलफुली डिनर डिशेस लगा दी गई एंड इन द स्टडी अ क्लिक, एक क्लिक में, एक चुटकी में सारा टेबल सजा दी गई। इन द मेटल स्टैंड ऑपोजिट द हर्थ वेयर अ फायर नाउ ब्लेज्ड अप वार्मली, अ सिगार पॉप्ड आउट, हाफ एन इंच ऑफ सॉफ्ट ग्रे एश ऑन इट, स्मोकिंग एंड वेटिंग। तो अब मेटल स्टैंड पर ऑपोजिट भट्टी के पास एक मेटल स्टैंड था, वहाँ पर एक सिगार अपने आप से पॉप आउट हुआ। तो शायद घर में जो आदमी थे, जो रहते थे, मिस्टर मैक्लीलन, वो सिगार पीते थे, तो वहाँ पर एक सिगार अपने आप से पॉप हुआ, अपने आप से बाहर निकला, जिसमें थोड़ी सी एक साइड पर ऐश लगी हुई थी और वो जल रहा था। स्मोकिंग एंड वेटिंग, कि वेट कर रहा था कि शायद इसे कोई लेगा और इसे यूज करना स्टार्ट करेगा। कोई नहीं आया, 9 बज गए, बेड्स को वार्म कर दिया गया क्योंकि उनके अंदर हिडन सर्किट्स थे, कुछ कुछ वार्म ब्लैंकेट्स थे, तो उनको तारों की मदद से वार्म कर दिया गया ताकि बच्चे आएं और फटाफट से सो जाएं, क्योंकि यहाँ पर रातें जो थी ठंडी होती थी। 9:05 हो चुके थे, अ वॉइस स्पोक फ्रॉम द स्टडी सीलिंग, मिसेस मैक्लीलन, विच पोएम वुड यू लाइक दिस इवनिंग, द हाउस वाज साइलेंट। अब एक आवाज आई स्टडी में से, स्टडी जहां पर वो लोग बैठते थे रात को डिनर के बाद। मिसेस मैक्लीलन, जो लेडी ऑफ द हाउस थी, आप कौन सी पोएम सुनना पसंद करेंगी आज रात? अब क्योंकि कोई आवाज नहीं आई, सिंस यू एक्सप्रेस नो प्रेफरेंस, आई शैल सिलेक्ट अ पोएम एट रैंडम। तो मैं ऐसे ही एट रैंडम, मतलब कोई भी पोयम अपनी पसंद की चला देती हूँ। और क्वाइट म्यूजिक रोज टू बैक द वॉइस, और अब जो पोयम थी वो शायद यूजुअली इस घर की जो लेडी थी मिसेस मैक्लीलन वो सुनती थी, और वो पोयम थी किसकी? सारा टीसडेल की पोयम थी, देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स, क्योंकि वो उनकी फेवरेट पोयम थी, और वो पोयम थी देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स एंड द स्मेल ऑफ द ग्राउंड एंड स्वालो सर्कलिंग विद देयर शिमरिंग साउंड, कि सॉफ्ट रेन्स अब आएंगी उनकी स्मेल ऑफ द ग्राउंड से, उन अबाबीले जो हैं वो सर्कल करेंगी, झिलमिला रही होंगी साउंड के पास, फ्रॉग्स होंगे पूल में रात को गा रहे होंगे, वाइल्ड प्लम ट्रीज होंगे जो कि ट्रेमुलस वाइब, जो कि शेक कर रहे होंगे, हिल रहे होंगे, जहाँ पर रॉबिन्स जो हैं वो एक तरह की चिड़िया होती है जिसके परदार पर होंगे, इतने प्यारे लग रहे होंगे पर उनके, जैसे मान लो फायर हो, whistling their whims on a low fence wire, और वो अपना गाना गा रहे होंगे, and not one will know of the war, not one will care at last when it is done, कोई वॉर के बारे में परवाह नहीं करेगा, कब वो शुरू हुआ, कब वो खत्म हुआ, not one would mind, neither bird nor tree, if mankind perished utterly, किसी को कोई परवाह नहीं होगी कि चाहे चाहे बर्ड हो चाहे ट्री हो। तो यहाँ पर बर्ड और ट्री को नेचर से बताया जा रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं होगी चाहे मैनकाइंड जिंदा रहे चाहे मर जाए, चाहे मैनकाइंड पूरी तरह से बिल्कुल ही मर जाए, पेरिश हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए, अच्छे से बिल्कुल फिनिश हो जाए,
स्प्रिंग हरसेल्फ वसंत ऋतु खुद डॉन में उठेगी, सुबह उठेगी और उसको पता भी नहीं चलेगा कि हम तो सब चले गए हैं। मतलब नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता मैनकाइंड जिए या नहीं जिए, जिस तरह से एक तरह से ये एक क्या है, ये एक गिव एंड टेक है। जैसे मैन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेचर में क्या हो रहा है, नेचर को हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसी तरह से एक टाइम ऐसा भी आएगा जब नेचर को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैन जिंदा है या मर गया। सो इट इज अ गिव एंड टेक। द वे वी डोंट केयर अबाउट द नेचर ऑल्सो डजंट केयर अबाउट अस। सो इट वुड नॉट नो कि हम भी चले गए हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अपने हिसाब से चलता जाएगा। एंड स्प्रिंग हरसेल्फ इज ऑल्सो अ पर्सोनिफिकेशन, बिकॉज स्प्रिंग जो है उसको हरसेल्फ कहा गया है, तो ये भी एक पर्सोनिफिकेशन है। जब वो पोयम प्ले हो गई फिर क्या हुआ, द फायर बर्न द स्टोन हर्थ एंड सिगार फेल अवे इनटू अ माउंट ऑफ क्वाइट एश ऑन इट्स वे। तो फायर जो थी वो स्टोन हर्थ में जलती रही और सिगार जो था उसमें गिर गया, क्योंकि सिगार पूरी तरह से एश बन चुका था, उसको किसी ने यूज नहीं किया। एम्प्टी चेयर्स फेस्ड ईच अदर बिटवीन द साइलेंट वॉल्स एंड म्यूजिक प्लेड, क्योंकि कोई नहीं था उस घर में बैठने वाला उन चेयर्स पर, इसीलिए वो चेयर्स एक दूसरे को मानो तक रही हों, कोई उनका यूज नहीं था और वॉल्स भी मानो साइलेंट थी। तो अगेन अ लॉट ऑफ पर्सोनिफिकेशन और म्यूजिक अपनी गति से चलता चला जा रहा था। 10 बजे द हाउस बिगैन टू डाई वेरी बिग एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। हाउस कभी मरता तो है नहीं, लेकिन हाउस जो था अब जो भी जितना भी बचा हुआ था वो भी अब टूटने फूटने लगा। कैसे? विंड ब्लू, तेज आंधी चल रही थी। अ फॉलिंग बाउ क्रैश थ्रू द किचन विंडो, एक टूटे हुए पेड़ जो था वो इतनी तेजी से हवा से उखड़ गया और एक बहुत मोटी सी शाख पेड़ की किचन विंडो के अंदर क्रैश होती हुई घर में आ गई। तो इससे क्या हुआ, जिससे वो लोग सफाई करते थे, क्लीनिंग सॉल्वेंट मानो कोई ऐसी चीज जिसमें आग लग सकती है, राइट, समथिंग दैट कैन कैच फायर इजीली, वो बॉटल जो थी वो सब जगह स्टोव के आसपास फैल गई, शैटर हो गई, गिर गई, स्पिल हो गई। क्योंकि वहां पर स्टोव था और वो इनफ्लेमेबल थी चीज, इसलिए रूम जो था किचन का वहां पर वो जलना स्टार्ट हो गया एक इंस्टेंट में, एक क्षण में रूम जलने लगा। तो क्योंकि हाउस ऑटोमेटेड था, हाउस ने बोलना शुरू कर दिया, फायर, स्क्रीम्ड अ वॉइस। नाउ दिस वॉइस वाज नॉट ऑफ एनी पर्सन, इट वाज कमिंग फ्रॉम द ऑटोमेटेड सिस्टम। द हाउस लाइट्स फ्लैश्ड, वाटर पंप शॉट वाटर फ्रॉम द सीलिंग, मतलब फायर अलार्म ने फायर डिटेक्ट करा और लाइट्स फ्लैश होने लगी, पानी से गिरने लगा, सीलिंग से पानी गिरने लगा, लेकिन सॉल्वेंट जो था वो सारा लिनोलियम होता है जो फ्लोर की कवरिंग होती है प्लास्टिक की, वो सारा उस पर फैल चुका था, मानो उसे वो खा रहा हो, पूरा उसने फैल कर पूरा किचन डोर तक पहुंच गया था। सारी वॉइसेस एक साथ बोलने लगी, फायर फायर फायर, मतलब जितने भी अलार्म से घर के वो सब फायर फायर चिल्लाने लगे, घर अपने आप को बचाने लगा, सारे डोर जो थे वो टाइटली शट हो गए ताकि वो फायर जो है वो हवा जो चल रही है उससे भड़के ना, लेकिन क्योंकि विंडो टूट चुकी थी इसलिए सारी विंड ने और फायर को भड़का दिया। द हाउस गेव ग्राउंड एज द फायर इन 10 बिलियन एंग्री स्पार्क्स मूव्ड विद फ्लेमिंग ईज फ्रॉम रूम टू रूम एंड देन अप द स्टेयर्स। तो हाउस ने, क्योंकि हाउस इतना ज़्यादा ऑटोमेटेड था, उतनी ज़्यादा उसमें चिंगारियाँ थीं, इतना इलेक्ट्रिकल चीज़ें थीं, तो वो सब चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से फायर और बढ़ती गई, एक गुना की 10 गुना बढ़ती गई, और मानो वो स्पार्क्स एंग्री स्पार्क्स हों, वो रूम से रूम फ्लेमिंग ईज, मतलब आसानी से एक कमरे से दूसरे कमरे तक और फिर स्टेयर्स तक फायर पहुंचने लगी। While scurrying, water rats squeaked the walls, pistoled their waters and ran for more. जबकि जो वो रैट्स थे, वाटर रैट्स जो थे, जो पानी को बुझा रहे थे, उन्होंने पानी की बौछार करने की कोशिश करी, घर का जो सिस्टम था पानी का वो इतना सिस्टम उन्होंने अच्छे से किया, लेकिन उनका जो पानी लाने का जो टाइम था, पानी लाने का जो अमाउंट ऑफ वाटर था, वो इतना कम पड़ गया कि वो फायर जो थी वो बहुत ज़्यादा क्विकली फैलती चली गई। वॉल स्प्रेज लेट डाउन शावर्स ऑफ मैकेनिकल रेन भी हुई, काफ़ी
कोशिश यही हो रही थी बारिश की जाए और पानी फैलाया जाए जिस भी तरह से ताकि फायर को रोका जा सके, बट इट वॉज टू लेट. समवेयर साइंग अ पंप श्रग्ड टू स्टॉप टू अ स्टॉप. मतलब पानी क्योंकि इतने दिन से चल ही रहा था, इतने दिन से वाटर सप्लाई चल रही थी, बाथ भरे जा रहे थे, डिशेस धोई जा रही थी, और इतने दिन से कोई पानी का हिसाब ही नहीं था, कोई मेन सप्लाई में पानी नहीं दे रहा था. तो फाइनली जो उनके घर का जो मोटर था, जो पंप था, पानी खींचना आखिरकार उसने बंद कर दिया. एंड द क्वेंचिंग रेन सीज्ड. और जो प्यास बुझा रही थी बारिश, बारिश मैकेनिकल बारिश, वो भी फाइनली अब स्टॉप हो चुकी थी, सीज हो चुकी थी, क्योंकि रिजर्व वाटर सप्लाई जो भी थी उन्होंने बाथ्स को भर दिया था, डिशेस को वॉश कर दिया था फॉर मेनी क्वाइट डेज. मतलब वो इतने दिन से शांत दिन थे, घर के लोग तो मर ही चुके थे, लेकिन तब भी घर नाश्ता बना रहा था, खाने बना रहा था, पानी दे रहा था घास को. तो उन सब चीज़ों में पानी का जो यूज़ था वो ख़त्म हो गया, और पानी की जितना भी रिजर्व सप्लाई था वो सब ओवर हो चुका था, और अब फायर जो थी काफ़ी भड़क चुकी थी. फायर ने दरारें डाल दी थी स्टेयर्स पर और कमरों में. It fed upon Picassos and Matisses in the upper halls like delicacies, baking of the oily flesh, tenderly crisping the canvases into black shavings. मतलब basically जितनी भी चीज़ें थी हर चीज़ में, चाहे वो paintings हो, चाहे वो घर की दीवारें हो, चाहे वो paint हो, सब कुछ बर्बाद हो चुका था, सब कुछ जलकर राख होता जा रहा था. Picassos और Matisses क्या हैं? ये चित्रकार हैं, यानी कि इनकी paintings, beautiful paintings लगी हुई थी घर के halls में, जैसे कुछ खूबसूरती बिखेर रहा हो घर, लेकिन वो सब कुछ ऑयली फ्लैश की तरह निकलता चला जा रहा था, जैसे कोई कैनवस पर से कुछ ब्लैक शेविंग्स को हटाता है. अब फायर बेड में भी आ चुकी थी, विंडोज तक पहुंच चुकी थी, और पर्दों में भी लग चुकी थी. तो फायर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी कि फायर ने एक भयानक रूप ले लिया है और सारे घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया है. एंड देन रीएनफोर्समेंट मतलब जितने भी कुछ घर के कुछ ऐसी चीज़ें थीं, जो भी सैन्य दल थे, जो भी घर कुछ कर सकता था फायर को बचाने के लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. फ्रॉम एटिक ट्रैप डोर्स, एटिक मतलब चोर दरवाज़ा था उनके घर के ऊपर की जगह का, मचान का. Blind robot faces peered down with faucet mouths gushing green chemical. कुछ ऐसे नल थे जो कोशिश कर रहे थे फायर को बुझाने की, उनमें से कुछ ग्रीन कलर का केमिकल भी निकल रहा था. The fire backed off as even as an elephant must at the sight of a dead snake. फायर जो थी वो पीछे हुई, जैसे एक एलिफेंट एक डेड स्नेक को देखकर पीछे हो जाता है. नाउ देयर वर 20 स्नेक्स व्हिपिंग ओवर द फ्लोर किलिंग द फायर विद क्लियर कोल्ड वेनम ऑफ ग्रीन फ्रॉथ. कुछ ऐसे बड़े बड़े से केमिकल के पाइप्स आ गए थे जैसे मानो स्नेक्स हो, और उन स्नेक्स में से ऐसे वो हिल रहे थे, विपिंग हो रही थी जैसे मानो कोड़े मार रहे हो, और वो फायर को बेसिकली किल करने की कोशिश कर रहे थे. उनके पास एक क्लियर कोल्ड वेनम था, यानी कि कुछ ऐसा केमिकल निकल रहा था ग्रीन कलर का, ग्रीन झाग निकल रहे थे जिससे वो फायर को बुझा रहे हो. तो इट वॉज बेसिकली अ सॉल्वेंट और समथिंग, फायर को बुझाने की एक फाइनल कोशिश की जा रही थी कि फायर को हम बुझा सकें, राइट. सो दिस वॉज द फाइनल ट्राई किया घर की चीज़ों ने कि इसको फायर को किल किया जा सके, लेकिन द फायर वॉज क्लेवर. लेकिन शायद इस घर की किस्मत में बचना था ही नहीं. उसने फायर ने क्या किया, फायर के फ्लेम्स जो थे, फायर वॉज क्लेवर पर्सोनिफिकेशन, फायर ने घर के बाहर फ्लेम्स पहुंचा दिए, एटिक में से बाहर निकले, जिसमें एटिक तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि एटिक में सारा कंट्रोल रूम था जिसमें सारे पाइप्स थे, सब कुछ एटिक में ही होता था. तो फायर ने घर के कंट्रोल रूम को ही बर्बाद करने की कोशिश करी, तो जिससे पंप्स जो थे वो सारे शैटर हो गए, सारे टूट गए, और जितने भी उनके जो किर्चियां सब हो गई. द फायर रश्ड बैक इनटू एवरी क्लोजेट एंड फेल्ट ऑफ द क्लोथ्स हंग देयर. तो फाइनली जब फायर ने वो सारे पाइप्स का जो मेन कंट्रोल था उनको बर्बाद कर दिया, अब फायर सारी क्लोजेट्स में जाने लगी, सारे जितने भी वहां पर कपड़े टंगे हुए थे उन सबको जलाना शुरू कर दिया. द हाउस शडर्ड ओक बोन ऑन बोन, इट्स बेड स्केलेटन क्रिंजिंग फ्रॉम द हीट, वेन्स एंड कैपिलरीज क्विवर इन द स्कैल्डेड एयर. अब हाउस जो था वो थरथराता हुआ, जैसे मानो हाउस नहीं है कोई इंसान है,
उसका जो स्केलेटन था, उसका जो खाली स्केलेटन था, बेड स्केलेटन, वो दंडक यानी कि हिल रहा था, बुरी तरह से कांप रहा था। उसकी जो नसें थी, उसकी जो कोशिकाएं थी, वो कांप रही थी जलने से। मतलब बेसिकली घर जो था वो जल रहा था, और अब कोई भी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही थी कि शायद घर अब बच जाए। हेल्प हेल्प और फायर अलार्म तेजी से बजते जा रहे थे, बोले जा रहे थे कि भागो भागो, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इस घर को बचा सकते हैं। तो अब फाइनली घर ने कहना शुरू किया, तो अब अपनी जान बचाकर भाग लो। हीट स्नैप्ड मिरर्स लाइक द फर्स्ट ब्रिटल विंटर आइस। जैसे आइस कांच को तोड़ देती है, उसी तरह से हीट ने भी कांच को तोड़ना शुरू कर दिया। एंड वॉइसेस वेल्ड, और आवाजें अब चिल्ला रही थी, फायर फायर रन रन, लाइक अ ट्रेजिक नर्सरी राइम अ डजन वॉइसेस, हाई लो लाइक चिल्ड्रन डाइंग इन अ फॉरेस्ट अलोन अलोन। तो पोएट ने ये बार बार चीजें ये कहने की कोशिश करी है कि वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन तब भी घर लोगों से यही कह रहा था कि भागो भागो, अपनी जान बचाकर भागो, कि अब इसका कोई अंत नहीं है, यू आर ऑल गोइंग टू डाई इफ यू डोंट रन फ्रॉम द फायर। एंड द वॉइस इज फेडिंग एज द वायर्स पॉप देयर शीथिंग्स लाइक हॉट चेस्टनट्स। 1, 2, 3, 4, 5 वॉइसेस डाइड। तो अब वॉइसेस जो थी, जो अलार्म्स थे, उनकी भी इलेक्ट्रिकल जो कनेक्टिविटी थी, उनमें भी उनकी जो कवरिंग थी, वायर एक प्लास्टिक की कवरिंग के अंदर होता है, तो यहाँ तक भी फायर पहुँचने लगी थी। तो इनका जो गिलाफ था, इनको भी फायर अब ख़राब करने लगी थी, लाइक हॉट चेस्टनट से बहुत ज़्यादा हॉट हो चुके थे, और ये करते 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 जितनी भी आवाज़ें थी वो सब डाई आउट होने लगी। द फायर बर्स्ट द हाउस, लेट इट स्लैम डाउन, पफिंग आउट स्कर्ट्स ऑफ स्पार्क एंड स्मोक। फाइनली फायर ने पूरे हाउस को जला कर राख कर दिया, और इतना शक्तिशाली प्रहार किया कि हाउस अब फूल फूल कर अब नीचे गिर गया, और वो सिर्फ एक स्पार्क और स्मोक का ही बन गया था। अब क्या था, किचन जो था, किचन में इंस्टेंट बिफोर द रेन ऑफ फायर एंड टिम्बर द स्टाफ कुड बी सीन मेकिंग ब्रेकफास्ट एट अ साइकोपैथिक रेट। 10 dozen eggs, 6 loaves ऑफ टोस्ट, 20 dozen बेकन स्ट्रिप्स विच ईटन बाय फायर स्टार्टेड द स्टोव वर्किंग अगेन हिस्टेरिकली हिसिंग। किचन को अभी भी नहीं पता था कि अभी नाश्ता नहीं बनाना है, घर फिर भी बर्बाद हुए चला जा रहा था फायर और टिम्बर के बीच में हिंसक साइकोपैथिक रेट से, कि बस बजाए बनाए चला जा रहा है, बनाए चला जा रहा है। मे बी देर इज समथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम ऑफ द स्टोव, कि स्टोव के सिस्टम में कुछ ऐसी तकनीकी खराबी आ गई कि उसने अब 10 dozen अंडे बना दिए, 6 loaves ऑफ टोस्ट बना दिए, 20 dozen बेकन स्ट्रिप्स बना दी, मतलब खाना बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, हिस्टेरिकली हिसिंग क्रैश। तो एवरीथिंग वॉज इन सच अ कन्फ्यूज स्टेट दैट द हाउस स्टार्टेड बरामदे में भी क्रैश हो गया। पार्लर जो था यानी कि बरामदा जो था वो सेलर में क्रैश हो गया, सेलर यानी कि घर के तहखाने में क्रैश हो गया, और सेलर इंटू द सब सेलर, मतलब घर एक तरह से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ढहता चला गया। डीप फ्रीज, आर्म चेयर, फिल्म टेप, सर्किट्स, बेड्स, ऑल लाइक स्केलेटन्स थ्रोन इन अ क्लटर्ड माउंड डीप अंडर। सब कुछ एक ऐसा हीप में कन्वर्ट हो गया जिसका अब कोई अस्तित्व नहीं था, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। स्मोक और साइलेंस, स्मोक एंड साइलेंस, अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ स्मोक, क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था, सिर्फ धुआं धुआं ही बचा था। डॉन शोड यानी कि अब सुबह होने वाली थी, फेंटली इन द ईस्ट, ईस्ट से अब सुबह शुरू नजर आ रही थी। अमंग द रुइंस, रुइंस मतलब सब कुछ टूट फूट हो चुकी थी, सिर्फ एक वॉल अकेली खड़ी थी, एक वॉल अकेली खड़ी थी, और शायद उस पर कोई अलार्म सिस्टम भी बचा था। विद इन द वॉल अ लास्ट वॉइस सेड ओवर एंड ओवर अगेन अगेन एंड अगेन, इवन एज द सन रोज टू शाइन अपॉन द हीप्ड रबल ऑफ Rubble and steam. Today is August 5, 2026. Today is August 5, 2026. So it is still saying, even the house has completely collapsed. Everything is down to, you know, ashes, rubble. Sab kuch malba aur dhuaan ban chuka tha. Tab bhi ek awaaz baki thi.
एक अलार्म बाकी था और उसने कहा, आज 5 अगस्त 2026 है। मानो घर को तो पता ही नहीं था, मानो उस अलार्म सिस्टम को तो पता ही नहीं था कि घर में रहने वाला कोई नहीं है। अब तो घर भी नहीं है, नथिंग इज लेफ्ट एट ऑल। नाउ एज यू कैन सी द लास्ट थिंग इज इट इज एन अब्रिज्ड वर्जन ऑफ द एक्चुअल स्टोरी। अब्रिज मतलब उसको थोड़ा सा शॉर्टन करा गया है, ठीक है। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट लेसन सून। टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।